Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Beautify by Hira. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो kindly मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड also hit the bell icon so you never ever miss any video from my YouTube channel or do follow me on Instagram. आज का जो हमारा प्रोडक्ट का रिव्यू है वो है फिट मी वालों की ये फाउंडेशन. ये इसमें कॉम्पैक्ट और फाउंडेशन आपको एक साथ ही मिलेगा. बैक पर देखें तो इस पर हर एक चीज़ मेंशन है. लाइक इन्होंने लिखा है कि लॉन्ग वेयरिंग है, फ्लॉलेस है, मैट है, फुल कवरेज है और लूमिनस फिनिश देता है. बहुत ही स्मूथ होता है तो डेफिनेटली ये करता है. उसकी कैसे कैसे यूज़ करना है सब इस पर मेंशन है और एक्सपायरी डेट भी मेंशन है 2024. और इसका बारकोड स्कैनर भी है, आप वहाँ बारकोड स्कैन करके और इसकी पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ पर बनी है. ठीक है, तो मैं आपको ये बारी बारी से मैं आपको दिखाती हूँ. ये मैंने एक इंस्टाग्राम के पेज से परचेज़ किया था. लाइक आपको अंडर 700 रुपीज़ ईजीली किसी भी इंस्टाग्राम पेज से मिल जाएगा. और जो फर्स्ट है वो है हमारा फिट मी क्या ये लूज कॉम्पैक्ट पाउडर. बैक से कुछ इस तरह का दिखता है. बैग पर इन्होंने लिखा हुआ कि ये फ्लॉलेस कवरेज देता है, लूमिनस फिनिशिंग है, कम्स विद अ लूमिनस पफ और ये इतना फ्लॉलेस आपको कर देगा ना. लाइक ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा है, मेरा मोस्ट फेवरेट कॉम्पैक्ट पाउडर है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना क्यूट सा है. और इसके साथ ही आपको मिलेगी ये फाउंडेशन जो कि है मैट पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली स्किन और ये इसका शेड जो है वो मेरे पास है आईवी. इसमें बहुत हाई रेंज है शेड्स की, आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं अपने शेड के अकॉर्डिंग. जो मेरा ये परफेक्ट शेड है तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर हर एक चीज़ मेंशन है. लाइक मैं इसे 25 टाइम्स यूज़ कर चुकी हूँ. स्टिल इसमें बहुत सारी क्वांटिटी है, आप बहुत लंबे टाइम तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं. सो मैं इसको आपको दिखाती हूँ ये अंदर से कैसी है. मेरी मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन यही है तो मैं आपको अभी खोल कर दिखा देती हूँ. तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत लाइट वेट कंसिस्टेंसी है और इन्होंने लिखा हुआ है फुल कवरेज बट आई डोंट नो, ये बहुत मीडियम कवरेज टाइप की है. लाइक आपके स्किन के साथ इतना मैच हो जाती है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. लाइक 12 आवर्स से ऊपर ही जाएगी. ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का इसका शेड है और मैं आपको ब्लेंड करके भी दिखा देती हूँ. ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा नेचुरल लगती है आपके फेस पर जब आप इसे यूज़ करते हैं. तो मैं यहाँ पर आपको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसे ब्लेंड करके दिखाती हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना नेचुरल दे रहा है, बिल्कुल लूमिनस है. अगर आप पाउडर यूज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये ड्यूवी फिनिश देती है. अगर आप पाउडर यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल मैट आपको वो देगी. ठीक है, मैट फाउंडेशन हो जाएगी. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रश के साथ कर रही हूँ बट मेरा ब्रश का जो ब्रिस्टल्स हैं बहुत ज़्यादा हार्श थे सो इसलिए ईजिली ब्लेंड नहीं हुआ, बट ये आपके हाथ से भी ईजिली ब्लेंड हो जाती है. ठीक है, ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा ऑयल को कंट्रोल करती है और ये आपके पोर्स को मिनिमाइज़ कर देती है और इवन इसे जो क्रीज लाइन वगैरह होती है वो नहीं होती और ग्रे कलर की भी आपकी फाउंडेशन नहीं होती. यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल आपके हैंड पर लगती है बट फेस पर आप जब लगाओगे तो आप शॉक हो जाओगे, इतनी अच्छी है. और इसके साथ ही आपको मिलता है कॉम्पैक्ट पाउडर. अगर आपको मैट फाउंडेशन चाहिए तो ही आप ये कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करें, अदरवाइज़ ये यूज़ ना करें. ठीक है, तो मुझे बिल्कुल मैट फाउंडेशन चाहिए होती है तो मैं ये कॉम्पैक्ट पाउडर के ऊपर अप्लाई कर देती हूँ. यहाँ पर आप इसके कॉम्पैक्ट पाउडर की हालत देख सकते हैं और इसके साथ आपको मिलता है एक पफ और एक छोटा सा मिरर. ठीक है, ये इस तरह इसमें पफ होता है. तो अब मैं आपको ये अप्लाई करके दिखा देती हूँ. यहाँ पर आप हालत देख सकते हैं. सो इग्नोर दैट बिकॉज मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है. ठीक है, तो आपको उसे थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा. मैं आपको उसकी नेचुरल लाइट में भी दिखा देती हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरा परफेक्ट शेड है. ठीक है, तो आप नेचुरल लाइट में भी देखते हैं, देखें कितना ज़्यादा मैट हो चुका है. जस्ट वन ट्राई में ही ये फुल मैट हो जाती है फाउंडेशन इस कॉम्पैक्ट पाउडर की वजह से. और अब आप यहाँ पर विथआउट नेचुरल लाइट आप देख सकते हैं. ठीक है, सो ये था मेरा आज का रिव्यू इन दोनों पर. आपको ये कहीं से भी मिल जाएगी, इजीली मार्केट से भी मिल जाएगी. अब मुझे ये नहीं पता ये
ओरिजिनल प्रोडक्ट है या फिर फेक है या फिर मास्टर कॉपी है या ड्यूप है, आई डोंट नो। बट जब मैंने इसके जो कोड होता है इसको मैंने स्कैन किया बार कोड स्कैनर से, तो ये फिटमी वालों की वेबसाइट पर मुझे इसने भेज दिया। तो अब मुझे नहीं पता ये ओरिजिनल है क्या चीज़ है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि फाउंडेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लाने वाली हूँ, तो काइंडली मेरे चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी वीडियो। और अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट पर रिव्यू चाहिए तो डेफिनेटली मैं उस पर भी रिव्यू करूँगी। और इसी तरह मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।